नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के वीडियो मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक और आज का दिनचर्या कैसे रहने वाली है और आज के दिन आपको कैसे कार्य करना है और आज के दिन आप सभी को किन किन चीज़ों से आपको लाभ मिलने वाली है और किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि रोजाना राशि फल आपको समय समय पर मिल सके। धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से काम करने के लिए अच्छा दिन है। करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आज आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे। प्रेम भगवान की पूजा की तरह भी पवित्र हैं। यह आपके स्वास्थ्य और अर्थों में धर्म और आध्यात्मिक की ओर से भी ले जा सकते हैं। काम काज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारी के बोझ भी बढ़ सकते हैं। आज इस राशि के कुछ छात्र लैपटॉप या टीवी पर कोई मूवी देख कर अपना कीमती समय जाया कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में गर्म जोशी और घर में खाने की भी और बहुत ही अहमियत है। आप और आज दोनों ही लुक्स पर भी अपने लुत्फ भी उठा सकते हैं और आज के दिन अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए अपने और अधिकता भी अपने महत्वपूर्ण काम भी समय पर निपटा लेंगे। अन्य गतिविधियों पर अपनी उपस्थिति भी रखेंगे। विशेष करके महिलाएं स्वयं को साबित करने में सफल होंगी। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा में सफलता हासिल होंगी। घर में पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात को भी लेकर गलतफहमी भी उत्पन्न भी हो सकती है जिसकी वजह से किसी बाहरी व्यक्ति का भी हस्तक्षेप होंगे। किसी को भी पैसा उधार देना भी नुकसानदायक रहेंगे, इसलिए ना करना भी और सीखें। मशीनरी संबंधी बिजनेस में दिक्कतें रहेंगी, इस कारण ऑर्डर पूरे करने में देरी होंगी। कर्मचारी की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें, उनके वजह से आप भी मुसीबत में पड़ेंगे। ऑफिस में उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग भी रहेगा। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ मनमुटाव की स्थिति भी रहेंगी, परंतु समय रहते आप नकारात्मक परिस्थितियों को भी काबू में पालेंगे। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखना अति आवश्यक है, वरना इन्फेक्शन अथवा खांसी जुकाम जैसी समस्याओं से गुजरना भी आपको भी पड़ सकते हैं। और आज जब का भाग्यशाली रंग रहने वाली है हारा और आज का भाग्यशाली अंक रहने वाली है 5, जो आज का दिन के लिए आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। पैसों से संबंधित बातें सुलझाने से जीवन की स्थिरता रहेंगी। मित्रों से नए अवसर भी प्राप्त होने की संभावना है। काम संबंधी समस्याएं की चर्चा मित्रों के साथ ही करें। समस्या अपने बल पर भी सुलझाने की कोशिश करनी होगी। यह एक नया भी अनुभव होगा। आपके काम की प्रशंसाएं होंगी और नए लोगों से के साथ में जुड़कर काम का विस्तार भी करेंगे। और आज रिलेशनशिप से जुड़ी परेशानियां भी दूर करने के कुछ बातों में समझौता करना पड़ सकते हैं। पैर में दर्द की समस्या होने की संभावना भी रहने वाली है और आज सुबह व्यस्तता रहेंगी। एक साथ कई कार्य को करना होगा। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेंगे। दोपहर में परिवार के साथ भी भ्रमण पर भी समय मिलेंगे। व्यवसायिक यात्रा पर जाना भी आपको भी पड़ सकते हैं। आय उत्तम रहेंगी। पेट संबंधी आपके बीमारी हो सकते हैं। आहार का भी ध्यान भी देने होंगे। ओम नमः शिवाय का भी जाप मंत्र का भी जाप कर दें तो आहार पर भी अच्छी तरह से आप ध्यान दे पाने में सक्षम भी रह पाएंगे और जो भी अधूरे कार्य भी आज चल रहे थे आज शाम तक में आपके लिए पूरे होने की संभावना है। स्वयं पर भी आपको भरोसा भी रखने होंगे। आत्मविश्वास रखें, संकट से मुक्ति पाने में सफल होंगे। कई दिनों से रुके हुए कार्य को भी पूरा करने में सफल होंगे। सहयोगियों का भी भरोसा भी जीतने में सफल होंगे। वृद्धों से तालमेल बनाएं और सामाजिक कार्य में रुचि होंगी। सफलता और नौकरी में उन्नति के योग भी आपके पर बने हुए हैं। हनुमान जी को मिठाई का भी भोग लगा दे तो आपकी सफलता में नौकरी में जो उन्नति हो रही थी वह भी आपको भी अच्छी तरह से मिल पाएंगे और आपके भी पर जो भी संकट भी चल रहे थे वह संकटों से मुक्ति भी आपको निश्चित आज के दिन मिलने वाली है। और जो भी कार्य भी रुके हुए थे वह कार्य भी आज शाम तक में पूरे होने की संभावनाएं और रहने वाले होने वाले और आपके शब के भरोसे को भी जितने में सफल